का जो टॉपिक है, आज की जो ट्रेनिंग है वो है FM 200, FM 200 या फायर सप्रेशन सिस्टम भी बोलते हैं हम, गैस फायर सप्रेशन सिस्टम भी बोलते हैं हम इसे। बेसिकली हम इसको यूज कहाँ करते हैं, UPS रूम हुआ, हमारा सर्वर रूम हुआ, डाटा सेंटर हुआ, बैटरी रूम हुआ, इसमें हम ज़्यादातर इनको यूज करते हैं। जहाँ हमें लग रहा है कॉस्टली है कोई सिस्टम को हमारा कॉस्टली है, खराब ना हो और फायर को हम कंट्रोल कर सकें, उस कंडीशन में हम FM 200 या फायर सप्रेशन सिस्टम यूज करते हैं। हमारे सिलेंडर लगे हुए हैं हमारे, उसके अंदर कौन सी गैस होती है, हेप्टो फ्लोरोप्रोपेन गैस, हेप्टो फ्लोरोप्रोपेन नाम की एक गैस उसके अंदर रिफिल होती है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। कौन से लिक्विड में, तरल पदार्थ के रूप में उसके अंदर भरी जाती है, रिफिल की जाती है। जब वो गैस बाहर निकलती है तो वो किस में हो जाती है, कन्वर्ट, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ऑक्सीजन जैसे उसको मिलेगी, बाहर निकलेगी तो उसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। और गैस में कन्वर्ट हो तो क्लीन एजेंट गैस होती है, क्लीन एजेंट गैस हम उसे बोलते हैं जो सिस्टम को खराब ना करे और जिस जो कलरलेस हो, जिसका कोई कलर ना हो, कलरलेस, वो क्लीन एजेंट गैस हम जिसे बोलते हैं। उसके साथ साथ हमारे दो फायर सिलेंडर रखे हैं, उसके अलावा हमारा एक पैनल भी होता है जो कि उससे कनेक्ट होता है। और पैनल के अलावा ये हमारे इसमें दो जोन होते हैं। होता क्या है कि जहाँ बैटरी रूम है हमारा या UPS रूम है, उसमें हम दो जोन बना देते हैं, दो लूप बना देते हैं, एक होता है हीट डिटेक्टर का, एक होता है स्मोक डिटेक्टर का। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ क्या है, मल्टीपर्पज है, हीट और स्मोक दोनों को सेम ही कर दिया, तो उसमें क्या ज्यादा चांस होते हैं, जैसे ही डायरेक्टर ऑपरेट होगा तुरंत ये गैस 1 मिनट के अंदर, जो हमने टाइम सेट कर रखा है कोई 1.5 मिनट, कहीं 1 मिनट हम सेट करके रखते हैं और गैस रिलीज हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में जो ये कंडीशन होती है, इसमें होता है क्रॉस जोन, भाई हीट डिटेक्टर का एक जोन है और एक स्मोक डिटेक्टर का जोन है, दोनों क्रॉस हो जाएंगे, हीट डिटेक्टर भी ऑपरेट हो गया और स्मोक डिटेक्टर भी ऑपरेट हो गया, तब जाके उस इसकी कमांड हमारे फायर अलार्म पैनल में जाएगी, कमांड फायर अलार्म पैनल को मिलेगी डायरेक्टर की। और फायर अलार्म पैनल किसको कमांड देगा, उस FM सिलेंडर को जिसके अंदर सोनेट वाल्व लगा होता है। सोनेट वाल्व जैसे ऑपरेट होगा, गैस इन नोजलों, ये नोजल दिख रहे हैं, इस नोजल के थ्रू नीचे आएगी, नीचे आएगी और आपको कट ऑफ फ्यूल यानी जलने वाला मेटेरियल और ऑक्सीजन तीनों का एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल बन जाएगा तो आग लग जाएगी और तीनों से एक भी चीज कट ऑफ कर दो तो आग बुझ जाएगी। तो ये गैस क्या कट ऑफ करेगी, हीट को कट ऑफ करेगी, ये बहुत ठंडी गैस होती है जो कि हीट को कट ऑफ कर देगी और हीट कट ऑफ हो जाएगी तो आग बुझ जाएगी। तो इसका बेसिकली यही काम है कि हीट को कट ऑफ करके आग को ये कंट्रोल करती है। इसके अलावा अब हम बाहर चलते हैं, फायर एक्सक्यूसर और पैनल को हम देखते हैं कैसे। भाई मान के चलो आपको लग रहा है कि फॉल्स अलार्म है, डायरेक्टर ऑपरेट हो गया, फॉगिंग से हो गया या किसी डस्ट से भी ऑपरेट हो गया डायरेक्टर, और आपको लग रहा है कि अलार्म आ गया और सिलेंडर रिलीज होने वाला है, यानी कि गैस रिलीज होने वाली है, तो उस कंडीशन में आप इसको पुश करोगे तो गैस रिलीज नहीं होगी, उससे क्या गैस का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कॉस्टली गैस होती है, 1.5 से 2.5 लाख रुपए तक इन फायर एक्सक्यूजर पे एक सिलेंडर की कीमत होती है। तो आपको लग रहा है कि फायर अलार्म है, आग नहीं लग रही एक्चुअल में, तो आप इसको रोक सकते। और दूसरा होता है रिलीज करने के लिए, आपको लग रहा है आग लग गई लेकिन हमारा डायरेक्टर ऑपरेट नहीं हुआ, तो आप उस कंडीशन में इसको खोलोगे और गैस को रिलीज कर दोगे, पुश करोगे बटन तो उससे क्या होगा, गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये होता है एवर्ट और गैस रिलीज का सिस्टम। इसमें एक टाइमिंग भी सेट होती है, जैसे कि यहाँ क्या 1 मिनट का टाइमिंग है, यहाँ रीसेट भी कर सकते हो आप, चलो ये आप नहीं कर रहे हो ठीक है, आपको लग रहा है आग लगी, एक्चुअल में आग लगी है, आग छोटी मोटी है, हम कंट्रोल वैसे ही कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप रीसेट करोगे तो क्या होगा, वो टाइमिंग होगा ना जो 1 मिनट का टाइमिंग होगा, वो उसके अकॉर्डिंग सिलेंडर फिर रिलीज नहीं होगा। रीसेट करके रीसेट कर दोगे पैनल, तो रीसेट का मतलब क्या होता है, पहली जैसी कंडीशन में वो पैनल हमारा सिस्टम हो जाएगा। तो ये होता है फायर अलार्म पैनल का सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा FM 200 के सिलेंडर, जो कि गैस भरी होती है, ये हेप्टो फ्लोरोप्रोपेन नाम की गैस होती है, ये हमारे क्या होते हैं सोनेट वाल है, ये क्या है सोनेट, इसको कमांड कहाँ से मिलेगी, फायलाम पैनल से, फायलाम को पैनल को कमांड कहाँ से मिलेगी, डिटेक्टर से, जो डिटेक्टर लगे हैं ऑपरेट होंगे उसकी कमांड हमारी इस फायलाम पैनल में आएगी, पैनल कमांड देगा इसको, ये इस पाइप के थ्रू जो नोजल लगे हुए हमारे
जो मैं बता रहा था यूपीएस रूम के वेंट्री रूम के अंदर जो नोजल लगे हैं वहां से गैस रिलीज होगी और आपको आपको लग रहा है जी जैसे कि मैंने बताया एमसीपी है यहाँ, आपको लग रहा है कि वास्तव में आग लगी है तो उसको रिलीज कर सकते हो, नहीं आया फॉल्स अलार्म नहीं आया आपके पास तो आप उसको रिलीज कर सकते हो, आपको लग रहा है फॉल्स अलार्म आया आग नहीं लगी फॉगिंग की वजह से अलार्म आ गया या किसी डस्ट की वजह से अलार्म आ गया तो आप उसको अवॉर्ड भी कर सकते हो, अवॉर्ड और रिलीज दोनों तरह की एमसीपी यहाँ लगी हुई है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है आपका FM 200 से रिलेटेड?